लॉकडाउन के चौथे चरण में जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर आने के संकेत आ रहे हैं। आज 18 मई को देखा गया कि 3,300 मजदूरों वाला जगदल वेबरली जूट मिल खुल गया। पहले चरण में लगभग 150 मजदूरों को लेकर शुरू हुआ प्रोडक्शन का काम और आगे सरकारी निर्देशों के अनुसार अन्य मजदूरों को भी काम में लिया जाएगा। इस विषय पर क्या कहना है मिल के अधिकारी तथा मौके पर उपस्थित स्थानीय मजदूर नेता संजय सिंह, देखिए रिपोर्ट। नमस्कार, 24 घंटा लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं रवि कुमार सिंह और इस वक्त मैं मौजूद हूं भाटपाड़ा विधानसभा क्षेत्र के 18 नंबर वार्ड से लेकर 23 नंबर वार्ड के और प्रेसिडेंट संजय सिंह जी के पास। एक्चुअली आप लोग जानते होंगे शुरुआती लॉकडाउन से लेकर आज तीसरा चरण खत्म हुआ, आज चौथा चरण का पहला दिन है और इस बीच कितने कारखाने कितने मिल खुल चुके थे जहाँ पर मजदूरों को काम दिया जा रहा था। जबकि रेड जोन और जो रेड अलर्ट एरिया था, जो रेड जोन के अंतर्गत आता था, जैसे 8 नंबर वार्ड और 10 नंबर वार्ड, इनके कर्मचारियों को भी काम नहीं मिला था। तो उसी बीच आज वाइवली मिल को भी खुलवाया गया है प्रावधान के तहत और आज वहां पर वर्कर काम कर रहे हैं। इस विषय में ज़्यादा जानकारी के लिए मैं संजय जी के पास जाना चाहूँगा और जनता के 24 घंटा लाइव के माध्यम से जनता के पास वो कुछ बात रखेंगे। आज हम लोग वाइवली जूट मिल बंद हुए 4 महीना हो गया था। वहाँ हुआ क्या था कि मालिक रॉ मटेरियल सप्लाई नहीं देने पा रहे थे, समय पे स्पेयर पार्ट समय पर नहीं देने पा रहे थे, मजदूरों का पेमेंट समय पर नहीं देने पा रहे थे। यही डिस्प्यूट के चलते वो मिल बंद हो गया था। इसके बाद मालिक जब थोड़ा मिल चलाने के कोशिश में आए तब तक आपको लॉकडाउन हो गया। विगत लॉकडाउन चलते 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 उसी दरमियान हम लोगों ने CM से अपने रिक्वेस्ट किया, जो हमारे लेबर मिनिस्टर थे उनसे रिक्वेस्ट किया, दो बार उनसे मीटिंग हुआ, दो बार DLC में हम लोग मीटिंग किए, मैनेजमेंट को लेकर भी मीटिंग किया गया, जिसका निचोड़ निकला कि आज मिल रीओपन हुआ है। आज भाई मिल जूट मिल रीओपन हुआ है पूरी तरह गवर्नमेंट का गाइडलाइन मान के, जिस तरह गवर्नमेंट का गाइडलाइन है कि मिल ओपन में रास्ते में आपको सैनिटाइजिंग सिस्टम करना होगा। सैनिटाइजिंग सिस्टम मिल में किया गया है, हर मजदूर को मास्क लगाना होगा, हाथ को सैनिटाइज करना होगा, ये सब गाइडलाइन मान के 150 मजदूरों का आज ऊपर से ऑर्डर मिला मैनेजमेंट के तरफ से, हम जाने की 150 मजदूरों का मिला है, वही 150 मजदूर आज काम में गए हैं। आखिर 150 मजदूर क्यों सर? देखिए, जो सोशल डिस्टेंसिंग का बात हो रहा है उसी के तहत जो गवर्नमेंट के तरफ से ऑर्डर मिला मिल उसी अनुसार चालू किया गया। 150 लोग जो है वो किस किस वार्ड से है? तो ये 150 तो मजदूर है, मिल के वार्ड का बात छोड़ दीजिए, मजदूर मजदूर होते हैं। जैसे कि बताया गया ना रेड जोन एरिया से जो भी मजदूर, देखिए रेड जोन एरिया का भी मजदूर है नहीं, रेड जोन या ग्रीन जोन तो हम लोगों के एरिया का ऐसा कुछ अभी बात है नहीं, क्योंकि आज तक देखिएगा जिस एरिया में ये मिल है जगदल विधानसभा 22 नंबर वार्ड, वहाँ पे आज तक कोई पॉजिटिव केस नहीं आया है कोरोना का। प्लस 18, 19, 17, 16 जो उसके अगल बगल के वार्ड, वहाँ भी कोई कोरोना का पॉजिटिव केस अभी तक नहीं मिला है हम लोगों को, जो इसी के तहत ये जी इसी के तहत मिल को कार्य आगे चल रही है, कार्य आगे चल रहा है, मिल भी चल रहा है आज से। तो पूरा गाइडलाइन को फॉलो किया जा रहा है, जैसा कि बताया जा रहा है कि अगर मजदूर पहले गेट क्रॉस करते हैं उसके बाद उसको हाथों को सैनिटाइज करना, थर्मल स्कैनिंग करना और उसके बाद मजदूर को वर्क जाते वक्त सैनिटाइज होना, ये ऐसा कुछ पहले बोला ना जो गवर्नमेंट का गाइडलाइन है उसको फुलफिल करके ही वो मिल को चालू किया गया। आप देख सकते हैं मिल में जाके, अरे मिल के भीतर तो हम लोग नहीं जाते हैं, आप लोग तो जा ही सकते हैं, आप लोग जाके मिल के भीतर देख सकते हैं। आप गेट इंट्रेंस कर रहे हैं एकदम सामने ही फैन चल रहा है, जो सैनिटाइजिंग सिस्टम जो बोला गया है वो है, फिर वहाँ लोग खड़े हैं जो हैंड को सैनिटाइज करा रहे हैं, मास्क दे रहे हैं, पूरा गाइडलाइन मान के ही वहाँ पे काम हो रहा है। और वहीं क्यों, हर जूट मिलों में फिलहाल, हर जूट मिलों में इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह लॉकडाउन उठते रहेगा उस तरह मजदूर बढ़ते रहेंगे, या जैसे जैसे गवर्नमेंट का गाइडलाइन आते रहेगा हम लोग उस तरह काम करते रहेंगे। क्योंकि 2 महीना से काफ़ी हो चुका था इस लॉकडाउन का समय और मजदूर भाई लोगों के लिए बहुत ही ये मुसीबतपूर्ण समय चल रहा था, उसी बीच सभी समाज से भी संजय जी और भी जो नेतागण हैं वो अपने ज़रूरतमंद लोगों के बीच खड़े हो रहे थे। साथ ही साथ आज के डेट में जब कोरोना वायरस संक्रमण जो है काफ़ी मात्रा में फैल रहा था, जो लॉकडाउन लगाया गया था उस बीच मिल बंद कर दिया गया था क्योंकि लॉकडाउन का पालन करना है और कोई भी वर्कर मिल के पास नहीं आ सकता था क्योंकि मिल तो बंद रहता था। लेकिन आज जब मिल खुली है तो करीब करीब 150 वर्कर को वहाँ पर काम दिया गया है
और ये एक गाइडलाइन है जिस गाइडलाइन पे उन्होंने ये मिल को खुलवाया और उस गाइडलाइन पे आज श्रमिक वहाँ पर काम करने जा रहे हैं और उनके हाथों को सैनिटाइज करते हुए जैसा उन्होंने बताया कि सभी गाइडलाइन को फॉलो करके ही यहाँ पर मिल को खुलवाया गया और काम करवाया जा रहा है। यहाँ पर बात कर रहे थे संजय जी के साथ, अब मैं चलूँगा मिल के पास। जैसा कि हम लोग देख रहे थे, शुरुआती लॉकडाउन से ही मिल को बंद कर दिया गया था क्योंकि लॉकडाउन का पालन भी करना है और सोशल डिस्टेंस का मेंटेन भी करना है। इस गाइडलाइन को लेते हुए मिल को बंद किया गया था और श्रमिक भाई 2 महीना से लगातार परेशान थे क्योंकि इस रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हर दिन काम करना था और उसके बाद अपने घर को संसार को चलाना था। और चूँकि मिल बंद हो चुका था, लॉकडाउन की परिस्थिति थी, लॉकडाउन का 3रा चरण कल खत्म हो चुका है और 4था चरण का पहला दिन है। और इसी पहले दिन में संजय सिंह जी ने मैं बताया है कि गाइडलाइन को थ्रू करते हुए इस मिल का भी खोला गया है। जैसा कि 150 श्रमिकों को इस मिल में इजाज़त दिया गया है, गाइडलाइन के थ्रू वो काम करेंगे। और चूंकि 22 नंबर वार्ड एरिया में ये आता है और यहाँ पर कोई रेड जोन का इलाका नहीं है, इसलिए यहाँ के श्रमिकों को 150 श्रमिकों को काम करने का आवश्यकपूर्ण अवसर मिला है पूरे गाइडलाइन को थ्रू करते हुए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ वाइवरली गेट मिल के अंदर और मैं बता दूँ यहाँ पर जो गार्ड साहब है, सिक्योरिटी गार्ड जहाँ पर, वो क्या करते हैं, क्या कार्य करते हैं, मैं उनसे जान लूँगा। जी सर, आपका यहाँ पर गेट के पास क्या कार्य रहता है? जो श्रमिक आते हैं, बांग्ला बोलो ना हिंदी पे, जा श्रमिक ए दिक दिए आसे तादेर आपने कि आई कार्ड चेक करें? तादेर आई कार्डटा चेक करे तारपरे मिले जेते दाओ, ताई तो? ये जो भी श्रमिक आता है उसका मैं आई कार्ड चेक करता हूँ और उसके बाद मैं मिल में इन करने देता हूँ। दूसरा जो गार्ड है यहाँ पर खड़ा है, मैं इनसे भी पूछूंगा, सर आपका यहाँ पर गेट के पास में क्या काम रहता है? हम लोग तो सिक्योरिटी रहता है, साथ में हम लोग को रहने पड़ता है कुछ प्रॉब्लम के लिए, इसके बाद ये करने पर कर रहा। क्या है ये? थर्मल स्कीनिंग। ये थर्मल स्कीनिंग है, मैं आपको दिखा दूँ, ये थर्मल स्कीनिंग है। इससे लोगों का टेम्परेचर जो है वो मापा जाता है और इनका यही काम है टेम्परेचर मापने का। तो ये अभी आपको दिखाएंगे मेरा टेम्परेचर माप कर, ये हमारा टेम्परेचर अभी मापा। अगर टेम्परेचर और तापमान अगर कम में रहा तो उसे अंदर दिया जाने दिया जाएगा और नहीं तो उसके साथ कोई भी जैसा भी कारणवश उसे अटकाया जाएगा या फिर कोई भी आगे जो रुख करेंगे वो लोग। इसके बाद इनके हाथों में सैनिटाइजर है, सैनिटाइज, ये लोगों को हाथों में सैनिटाइज करवाएंगे क्योंकि जो भी अंदर में मशीन और जो भी कार्य करने का वस्तु है उस पर हाथ रखेंगे ताकि संक्रमण की घटना उसके हाथों से उन पर ना जाए। अपने कैमरा पर्सन के माध्यम से दिखाना चाहूँगा वो ऊपर साइड में, ये एक सैनिटाइजर मशीन है। जब भी लोग यहाँ से इन करेंगे तो ये सैनिटाइजर की फुहारा जो है उनके शरीर को छुएगा और उनका सारा शरीर जो है सैनिटाइज हो जाएगा। जैसा कि अभी उस गेट से मैंने दिखाया, जो लोग रुक रहे थे और वो कार्य होने के बाद इस गेट से जब कर्मचारी अंदर जाएंगे तो मैं आपको दिखा दूँ अपने कैमरामैन के माध्यम से, यहाँ पर एक सैनिटाइजर का फुहारा है जो इस तरह अगर लोग इस जगह से पास करेंगे तो सैनिटाइजर का फुहारा उस पर पड़ेगा और उसका सारा बॉडी जो है सैनिटाइज हो जाएगा, इसके कारण संक्रमण की जो घटना है वो कम होगी क्योंकि ये लक्षण और ये वायरस देखने में नहीं है। ये लक्षण और ये वायरस का तो एक ही है, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करना और लॉकडाउन का पालन करना। लगातार इस गाइडलाइन को फॉलो करते हुए लोग यहाँ पर एक लक्ष्मण घेरा बना दिया गया है जिसे हम लोग सोशल डिस्टेंस जानते हैं और ये सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना ही इस वायरस का तोड़ है। और जो लोग साइकिल लेकर आते हैं या बाइक लेकर आते हैं वो इसी स्थान पर रुकते हैं और मैं कैमरा पर्सन को दिखाना चाहूँगा, बाएं तरफ अपना साइकिल या फिर बाइक को लगाते हैं, उसके बाद सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए इसी तरफ से ये लक्ष्मण रेखा, मैं आपको बता दूँ जिस तरह घर में एक लक्ष्मण रेखा खींचा गया था बाहर नहीं निकलना है लॉकडाउन का पालन करना, उसी तरह एक लक्ष्मण रेखा सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करना, ये गोल घेरा ये एक लक्ष्मण रेखा के समान है जो इस वायरस में बहुत तोड़ है। और मैं बता दूं इस साइड से आने के बाद यहाँ पे कल में हाथ धोने की जो व्यवस्था है, ये कल में हाथ धोने के लिए भी यहाँ पर सोशल डिस्टेंस को मेंटेन किया गया है ताकि लोग एक दूसरे से संपर्क में ना आए और ना संपर्क में आकर ही सारा काम करें। आप लोग जानते हैं ये लॉकडाउन करीब करीब 2 महीना हो चुका था और ये मिल पूरी तरह से ठप थी क्योंकि लॉकडाउन का पालन करना था, इसी कारण से मिल को बंद कर दिया गया था। और आज
आज 17 तारीख थ्री चरण का आखिरी दिन था और आज 18 तारीख का फर्स्ट दिन यहाँ पर काम किया गया है। करीब 150 वर्कर यहाँ पर काम में आए हैं, सभी गाइडलाइन दिशा निर्देश को लेते हुए यहाँ पर काम और वर्क कर रहे थे। अभी यहाँ पर छुट्टी हो चुकी है क्योंकि टाइम हो चुका है, सुबह 6 बजे से लेकर 1 बजे तक यहाँ पर ड्यूटी चला है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है वाइवरली जूट मिल के मैनेजर, जिनसे मैं आपको जानकारी दूंगा, पुख्ता जानकारी कि किस तरह से मजदूर गाइडलाइन को फॉलो करते हुए मिल में आज वर्क कर रहे हैं, क्योंकि संक्रमण की घटना हो सकती है और 2 महीना से लगातार ये मिल बंद था जब तक लॉकडाउन की परिस्थिति थी। और आज है 18 तारीख यानी लॉकडाउन 4 का पहला दिन और कल था 17 तारीख यानी लॉकडाउन 3 चरण का लास्ट दिन। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ और यहाँ पर मैनेजर से कुछ मैं बात करूँगा। जी सर, बताया जाए श्रमिक की जो 2 महीना से लॉकडाउन था, इस परिस्थिति के बाद आज जो मिल खुला है, कितने श्रमिक को यहाँ पे काम दिया जा रहा है? मैंने तो 150 लगभग बताया है। अभी फिलहाल 150 आदमी का सरकारी परमिशन है। तो हम लोग अगर जो तरीके से हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजिंग का जो ये बंदोबस्त किया है, जो हिसाब से चालू किए हैं, कोशिश में है कि जितना जल्द हो सरकार से परमिशन लेकर और बढ़ाए। जैसे कि श्रमिक अभी 150 काम कर रहे हैं और भी जिस तरह से गाइडलाइन का फॉलो हुआ और संक्रमण की कोई घटना नहीं हुई, तो उसी अनुसार से सभी लोगों को आस्ता आस्ता करके वो लॉकडाउन का आगे बढ़ता जाएगा, जिस तरह से बोला गया प्रधानमंत्री के द्वारा भी कि नया रंग रूप दिया जाएगा अगला लॉकडाउन में। तो आज ये बताया हमें कि उनको क्या क्या गाइडलाइन यहाँ पर फॉलो किया जाता है उनके द्वारा। जैसे कि पहला चीज़ सोशल डिस्टेंसिंग। यस यस, सोशल डिस्टेंसिंग का आप लोग देख रहे हैं, ये लक्ष्मण रेखा बना दिया गया है गोल घेरा, इसी के ऊपर से ही एक ठो मजदूर भाई को हमको जाने पड़ेगा। अच्छा अच्छा, उसके साथ साथ यहाँ पर ह्यूमिडी, अच्छा एक फुहारा, मतलब सैनिटाइजर फुहारा दिया गया ताकि उसका बॉडी को सैनिटाइज कर दिया, बॉडी को सैनिटाइज करे। उसके बाद वहाँ क्या यहाँ पर थर्मल स्कैनिंग भी किया जाता है? क्या स्कैनिंग भी किया जा रहा है? अच्छा, ये सिक्योरिटी गार्ड की तरफ से, ये सिक्योरिटी गार्ड की तरफ से थर्मल स्क्रीनिंग भी कर रहा है। और इसके बाद सैनिटाइज भी किया जाता है हाथों को? क्या हाथ को सैनिटाइज किया जा रहा है वहाँ पर। उसके बाद वो मतलब 4 से 5 गाइडलाइन यहाँ पर तैयार किया गया है जिससे संक्रमण की घटना ना हो सके। उसके बाद हम लोग यहाँ से मास्क दिया है। अच्छा, मास्क देते हैं उनको, मास्क लगा के काम करना, जो सैनिटाइजर हम लोग हर जगह पर रखा हुआ है, ऐसे ही सैनिटाइजर से हैंड सैनिटाइजर, ताकि संक्रमण होने की संख्या जो है कम हो। मजदूर को एकदम गरीबन जगह पर उसको सैनिटाइजर मिल जाए और उसके साथ ये कर रहा है जा रहा है। इसके बाद भी बेसिन सिंक का बंदोबस्त किया है, ये लोग हाथ को धो रहा है। इसके बाद हम लोग सरकारी गाइडलाइन मान के फिर 2 बजे से, आज फिलहाल पहला दिन है तो 1 शिफ्ट चल रहा है, इसके बाद फिर 2 बजे से 9 बजे तक चलेगा। इसके बाद फिर सरकारी निर्देश और गाइडलाइन के द्वारा यहाँ पर श्रमिकों को काम दिया गया, आज पहला दिन था इसीलिए सुबह 6 बजे से 1 बजे मतलब 1 शिफ्ट को दिया गया, इसके बाद दूसरा शिफ्ट चलेगा, ठीक है। और यहाँ पर 150 वर्कर काम करेंगे। अगर कोई भी संक्रमण की घटना अगर 10 दिन या 5 दिन के भीतर नहीं आती है तो ये लोग सरकार से भी आवेदन, एक चिट्ठी या फिर ज्ञापन सौंपेंगे कि हमारा मिल में जो है वो सभी लोग स्वस्थ हैं और सही से काम हो पा रहा है सभी गाइडलाइन को फॉलो करते हुए। तो हो सकता है श्रमिक की संख्या यहाँ पर बढ़े और एक आने वाली स्थिति जो है वो गंभीर ना रहे और सुरक्षित रहे। यहाँ पर मिल का आई कार्ड से लोगों को पास दिया जाता था और वो मिल के अंदर काम को वर्क करने के लिए जाते थे, और अब जब COVID-19 का ये वैश्विक महामारी चल रहा है, इसके दरमियान एक और आई कार्ड बनाया जाएगा। मिल मैनेजर ने हमें ये बताया है कि उनके पास एक आई कार्ड दिया जाएगा ताकि COVID-19 के दौरान जो व्यक्ति काम किए हैं आज के डेट में, वही व्यक्ति दूसरा दिन भी काम करना है, ताकि हमारा जो सिक्योरिटी गार्ड है उनको तकलीफ ना हो और जो वर्क में आ रहे हैं वो अपना वर्क सही तरह से कर पाए। कैमरामैन एनडी हुसैन के साथ मैं रवि कुमार सिंह, 24 घंटे।